वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 नवंबर को पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन करेंगे। 340.824 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेस वे पूर्वी और पश्चिमी यूपी को जोड़ सकता है। एक्सप्रेस वे लखनऊ के चांद सराय गांव से शुरू होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी में सत्ता संभालने के बाद पूर्वांचल में विकास को रफ्तार देने के लिए लखनऊ से आजमगढ़ होते हुए गाजीपुर तक 6 लेन के पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का निर्माण कार्य शुरू करवाया था। इस एक्सप्रेस वे की लंबाई 340.824 किलोमीटर है और इसे भविष्य में 8 लेन का भी किया जा सकता है। तो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का 16 नवंबर को उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मथुरा के वृंदावन कोतवाली क्षेत्र में वाल्मीकि समाज के फूल सिंह के परिवार पर उसी के पड़ोसियों ने घर में घुसकर हमला कर दिया। मारपीट में फूल सिंह का पूरा परिवार घायल हो गया है। फूल सिंह ने बताया कि दरवाजा तोड़कर दबंगों ने घर की महिलाओं के साथ अभद्रता की। दबंगों ने घर की बुजुर्ग महिला को भी नहीं बख्शा। अपनी जान बचाने के लिए वो लोग शौचालय में घुस गए और वहां पर जो महिलाएं छिपी हुई थी उनका दरवाजा तोड़कर उन्हें निकाला और बुरी तरह से पीटा गया है। महिला ने बताया कि दबंगों ने घर में रखे बक्से का ताला तोड़कर लूटपाट भी की है। संबंध में फूल सिंह ने वृंदावन कोतवाली में नामजद लोगों के खिलाफ तहरीर देकर पुलिस से न्याय की गुहार लगाई। वहीं भक्ति विधान पुलिस चौकी प्रभारी वीरेंद्र सिंह ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है और जाँच भी की जा रही है। तो मथुरा में दबंगों का कहर नहीं थम रहा है। घर में घुसकर महिलाओं के साथ अभद्रता की है और लूटपाट भी की गई है। कानपुर देहात के सिकंदरा तहसील क्षेत्र में टेम्पो और ऑटो में आमने सामने की जोरदार टक्कर हो गई, जिससे करीब एक दर्जन लोग घायल हो गए हैं। राहगीरों की सूचना पर पहुंचे मंगलपुर पुलिस ने आनन फानन में 108 की मदद से घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा है। इस दौरान करीब आधा घंटे तक डेरापुर मंगलपुर मार्ग पूरी तरह से बंद रहा, जिससे लोग काफी परेशानियों का सामना करते हुए नजर आए। तो कानपुर देहात में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने के लिए मिला है, जहाँ पर ऑटो और टेम्पो में जोरदार टक्कर हो गई, जिसकी वजह से कई लोग घायल हो गए हैं और कईयों को मामूली चोटें आई हैं। जो लोग गंभीर रूप से घायल हैं उन सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। क्या नाम है? राजू। कहां से कहां जा रहे थे? अकोड़ी से चक्के फुरवा। कैसे घटना हो गई है? ये ऑटो वाला यहां जा रहा था, टेम्पो वाले ने मोटरसाइकिल को बचाई और उन्हें सीधे ऑटो वाले मारे। हम मगवासी गांव से आ रहे थे, यहाँ ससुराल में जा रहे थे। ये कैसे हुआ? इधर से आ रहे थे, इधर से गाड़ी आ रही थी, उसने ये भी कि हम लोग भी चिल्लाए, उसने ब्रेक मारा, उसने कंट्रोल नहीं कर पाया, वो धाड़े में ठोक दी। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला हरदोई पहुंचे और मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। इस निरीक्षण के दौरान मिली खामियों पर संबंधित अधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इसके बाद मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ल सांडला पहुंचे। यहां विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान का उन्होंने निरीक्षण किया है। तो हरदोई पहुंचे मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मतदान केंद्रों का उन्होंने निरीक्षण किया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। आपको बता दूं कि हरदोई में मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ल सांडिला पहुंचे और वहां पर जो मतदान केंद्र हैं उनका उन्होंने जायजा लिया है। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार मतदान केंद्रों का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे और निरीक्षण के दौरान जो भी खामियां मिली थी और उसको लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इसके बाद मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ल सांडिला पहुंचे, यहाँ विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान का उन्होंने निरीक्षण भी किया है। जो कमियां पाई गई थी उसको लेकर अधिकारियों को तमाम दिशा निर्देश देते हुए भी नजर आए हैं। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण जो चल रहा है उसमें 4 विशेष तिथियां तय की गई हैं कि बीएलओ अपने बूथ पर रहेंगे 7 नवंबर, 13 नवंबर, 21 नवंबर, उसका 27 नवंबर। इसके अलावा डोर टू डोर भी जाएंगे ताकि अर्हता तिथि 1 जनवरी 2022 के आधार पर जो भी 18 साल के हो रहे हैं उनके नाम मतदाता सूची में शामिल कर सकें, और जो डेड वोटर्स हैं या परमानेंटली शिफ्टेड हो चुके हैं, कई सालों से नहीं रह रहे हैं, उनके नाम विलोपित करना। सर आज के निरीक्षण के दौरान क्या मिला सर अभी तक? निरीक्षण के दौरान वही इनको बताया जा रहा है कि डोर टू डोर कुछ को फॉर्म मिले हैं, हाँ 3-4 अभी इन लोगों ने डोर टू डोर सर्वे कर रहे हैं। यही कहा गया कि माननीय भारत निर्वाचन आयोग का जो निर्देश है कि समावेशी इलेक्शन हो, कि सबके नाम शामिल, जो भी अर्ह है